मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत नंगल गांव में स्थित सिद्धि विनायक सरिया फैक्ट्री में सुबह अचानक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के कारण भट्टी पर काम कर रहे 5 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए, जिनमें से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पहले तो नालागढ़ के एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चारों मजदूरों को इलाज के लिए PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। घटना का पता चलते ही नालागढ़ प्रशासन मौके पर पहुंच गया। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामला दर्ज कर लिया है और कारणों का पता चलाने के लिए शिमला से फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया है। और वहीं जिन 4 मजदूरों को PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया है, उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र BBN में ऐसा यह कोई पहला मामला सामने नहीं आया है और पहले भी कई बार उद्योगपतियों के लापरवाही के चलते मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और इस मामले में भी साफ नजर आ रहा है कि यहां पर भी उद्योग प्रबंधक की लापरवाही के चलते एक मजदूर ने अपनी जान गंवा ली और 4 मजदूर अपनी जिंदगी और मौत के साथ PGI में लड़ रहे हैं, क्योंकि ना तो उद्योग में मजदूरों को किसी प्रकार की कोई सुरक्षा मुहैया कराई जाती है और उद्योगपति अपने निजी फायदे के लिए सत्य कच्चे माल को बिना जांच कर बॉयलरों में डलवा देते हैं, जिसके चलते ऐसे हादसे आए दिन सामने आते रहते हैं। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन कंपनी प्रबंधन के खिलाफ क्या कार्यवाही अमल में लाता है। वहीं SDM नालागढ़ प्रशांत देष्टा ने कहा कि जो मजदूर घायल हुए हैं, उनको प्रशासन द्वारा फौरी राहत प्रदान की जा रही है और मृतक के परिवार वालों को भी मुआवजा दिया जाएगा। और वहीं मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुला लिया गया है और निरीक्षण के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। ये मॉर्निंग टाइम में 9:45 के करीब इन्फॉर्मेशन हमें आई थी कंट्रोल रूम से कि एक सिद्धि विनायक करके कंपनी है, सरिये की कंपनी है, ये नंगल नालागढ़ एरिया में पड़ती है। यहाँ पर कोई फर्नेस में इंसिडेंट एक हुआ है, जिसमें एक आदमी की कैजुअलिटी हुई है और दूसरे काम करने वाले जो 4 आदमी हैं वो घायल हुए हैं। जो एक लड़का था जो जिसकी कैजुअलिटी हुई है, वो फर्नेस पे काम करता था, अजय कुमार नाम है उसका, 36 ईयर्स ओल्ड है, यूपी का रहने वाला है। और बाकी इंजर्ड जो है उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, नालागढ़ में किया गया था, लेकिन उनकी कंडीशन को देखते हुए उन्हें फिर आगे PGI के लिए रेफर किया गया है। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, फॉरेंसिक साइंस की टीम को हमने कॉल किया हुआ है स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए, बाकी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेट अस सी कि क्या फैक्ट्स सामने आते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, देखिए, और जैसे इन्वेस्टिगेशन थोड़ी में हमें कोई फैक्ट्स क्लू सामने आते हैं, हम डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करेंगे उसके बारे में। उनकी स्थिति थोड़ी सी क्रिटिकल मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर PGI के लिए रेफर करना पड़ा है तो थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन है, और दूसरा बर्निंग केस है, तो इस करके अभी स्पॉट इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उनके साथ हम बिल्कुल टच में हैं, तो इसके बाद जैसे ही स्पॉट इंस्पेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद हम इमीडिएटली उनको फॉलोअप करेंगे। देखिए, आज सुबह लगभग 8 बजे के करीब ये सिद्धि विनायक जो हमारे यहाँ फैक्ट्री है, उसमें जो भट्टी में ओवर हीट या फिर ब्लास्ट जो भी रीजन्स होंगे उसमें हुआ, और एक जो लेबर था वो मौके पर ही गुजर गया, और 4 जो इंजर्ड हैं उनको PGI शिफ्ट कर दिया गया है। और क्या कारण रहे हैं उसके लिए फॉरेंसिक साइंस की टीम को शिमला से बुलाया गया है, पुलिस भी स्पॉट पर है, सभी विषय पे गहनता से जांच की जाएगी और देखते हैं किस तरह से क्या उचित कानूनी कार्रवाई है वो। जहाँ तक जो मरीज हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनको उचित आर्थिक सहायता दी जाएगी एज पर रिलीफ मैनुअल, और जो उसमें एक डिसीज्ड है उसके परिवार वालों को तुरंत फौरीदार दी जाएगा। मेरा नाम संजीव अग्रवाल है, मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ सिद्धि विनायक कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड में। आज हमारे यहाँ 7:40 में एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक हमारा एम्प्लॉय अजय कुमार, उसकी मृत्यु हो गई है, और बाकी 4 जो है हॉस्पिटलाइज है PGI चंडीगढ़। ये जो फर्नेस है ये बॉयल कर गई, बॉयल करते उसमें गैस बन गई और वो बॉयल कर गई। ये अभी इनिशियल स्टेज है, अभी हमारा ध्यान जो है उसका हॉस्पिटलाइजेशन उस पर है, समझिए।
बाकी सब रेगुलर स्टाफ है हमारा, कोई बाहर से कोई नहीं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नालागढ़ से अमर गुज्जर की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।